नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट ही चल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और ये गिरावट आगे कहाँ तक कंटिन्यू रह सकती है, हमें इस गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या जो भी अपनी होल्डिंग्स है उनको बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। मार्केट में पिछले एक महीने में लगभग 7 से 8% की गिरावट आ चुकी है। वो निफ्टी अभी जो है वो 24,000 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी में इतनी गिरावट आने की वजह क्या है? निफ्टी में एक महीने में इतनी ज़्यादा गिरावट आने की 3 से 4 वजह हैं। पहली वजह ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो लगातार मार्केट से पैसा निकालते जा रही है। तो अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अब तक FIs जो हैं टोटल 1,00,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा मार्केट से निकाल चुके हैं, जो अब तक का लाइफ टाइम हाई है। जो कोरोना भी जब आया था तो मार्च 2020 की बात करें, उस समय जो मार्केट ने लोअर पे लोअर सर्किट लगाए थे उस समय भी FIs ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए ही मार्केट से निकाले थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि FI इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रही है? का मेजर रीज़न ये है कि FI जो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के वो चाइनीज मार्केट में लगा रही है, क्योंकि चाइना ने अभी कुछ दिन पहले ही स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उस पैकेज की अनाउंसमेंट की थी और FIs को ये लग रहा है कि जो चाइनीज जो मार्केट है वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी चीपेस्ट है अभी, तो उसी वजह से जो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो इंडियन मार्केट उनको महंगी नज़र आ रही है। यही कारण है कि FI मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और उस पैसे की जो मूवमेंट है मोस्टली वो चाइनीज मार्केट की तरफ हो रही है। तो मार्केट में गिरावट आने का यह एक मेजर रीज़न है। वहीं अगर हम देखेंगे अगर FIs ने इतना पैसा निकाला है तो मार्केट में इतने 7 से 8% ही क्यों गिरावट आई, मार्केट इससे ज़्यादा क्यों नहीं गिरा? तो उसका रीज़न ये है कि FIs जितना माल बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं यानी कि म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगातार उतनी ही बाइंग कर रहे हैं। FIs ने जहां 1,00,000 करोड़ रुपये का माल बेचा है वहीं DIs ने लगभग 97,000 करोड़ रुपये का माल उसके अगेंस्ट में खरीदा है। तो इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगातार पैसा मार्केट में डालता जा रहा है, इसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा करेक्शन अभी देखने को नहीं मिली है। तो अगर दूसरे मेजर रीजन की बात करें तो वो है कि Q2 की अर्निंग्स। जो मार्केट में अभी कंपनियां अपने Q2 की अर्निंग पेश कर रही हैं तो उनके जो नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। अगर हम HUL को देखें या इंडसइंड बैंक को देखें, इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब आए थे, इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिला और इन दोनों ही शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। तो अभी आने वाले 10-15 दिन में और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर उनके रिजल्ट्स भी ख़राब आते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी और बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। तीसरा जो रीज़न है कि वो है US इलेक्शन। अभी 5 नवंबर को US में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी जो कांटे की टक्कर चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में चल रही है और मार्केट ये मान के चल रहा है कि अभी जो जीतेगा वो कमला हैरिस जीतेगी। तो अगर कमला हैरिस अगर आती है तो मार्केट को ये लग रहा है कि जो बिडन ने अभी जो पीछे पॉलिसीज अनाउंस की थी वो उसको ही कंटिन्यू रखेगी और जो टैक्स सिस्टम है उसको और थोड़ा वो बढ़ा सकती है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ रहा है। चौथा अगर हम रीजन देखें तो वो है ईरान और इजराइल का वार, तो इसका भी कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है वो मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका मार्केट दे रहा है। आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक को चुनिए और उनमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जब भी आपको मार्केट में करेक्शन दिखती रहे आप उनमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आज नहीं तो महीने बाद, 10 दिन बाद जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो मार्केट के साथ तुरंत रिकवर करेंगे। तो ये घबराने का समय नहीं है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का समय है। तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, तो वो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।